नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। जब युवराज सिद्धार्थ गृह त्याग कर रहे थे, तब उनके सेवक छन्न ने उनके पास आग्रह लगाया कि मैं आपके साथ कांथों को लिए कम से कम अनुमा नदी के तट तक अवश्य आ जाऊंगा। छन्न का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। आज हम भगवान बुद्ध और उनके सेवक, इन दोनों में आखिरी बातें क्या हुई थी, सिद्धार्थ गौतम ने अपने माता पिता के प्रति क्या बोल निकाले थे, आखिरी शब्द क्या थे, वीडियो आखिर तक देखे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नए वाले चैनल की लिंक ऊपर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप कोई भी प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं, उसका उत्तर जरूर मिलेगा। तो छन्नो को भी कंतक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाना अस्वीकार किया। उसने आग्रह किया कि कांथक को लिए वह कम से कम अनुमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। तब छन्न को संबोधित करते सिद्धार्थ बोले, मित्र, इस प्रकार यहाँ तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया है। तुम्हारे भक्ति ने मेरे हृदय को सर्वथा जीत लिया है। तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकता। जिससे उपकार की आशा हो, उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है, अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मानता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है, केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। इस घोड़े को लो और वापस जाओ। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी होगी। राजा को कहना कि मैं जो उसे छोड़कर चलाया हूँ, वह न किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से और न ही क्रोध की अधिकता से। इस प्रकार घर छोड़कर चले आए मेरे लिए उसे अनुताप नहीं करना चाहिए। संयोग कितना भी दीर्घकालीन हो, एक न एक दिन वियोग में परिणित होता है। आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। मेरे पिता की देखभाल रखनी होगी। हो सकता है कि वे कहें कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु धम्म करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त समय ही नहीं है। मित्र, मेरे पिता को इन और ऐसे शब्दों से समझाना। ऐसा प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी बनी न रहे। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हूँ। उसका वात्सल्य वचनातीत था। इन शब्दों को सुना तो छन्न ने भावावेश से रोड़े कंठ से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय ऐसे बैठा जा रहा है जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी। आपका ऐसा निर्णय किसके आंखों से अश्रु धारा न बहाएगा? हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब कपिलवस्तु के लोगों के लिए दुखदायक इस कंतक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ? निश्चय से आप इस स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे कोई नास्तिक सद्धम्म को। और अपने उस मौसी को जिसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उसी तरह नहीं भूलेंगे जैसे कोई कृतज्ञ अपने उपकार को भूल जाता है। और अपनी उस भार्या को तो आप छोड़ेंगे ही नहीं, जो गुणवती है, जो श्रेष्ठ कुलोत्पन्न है, जो पतिव्रता है और जो एक बालक की भीमा है। और हे धर्म तथा यश की सर्वाधिक चिंता करने वाले, आप यशोधरा को, उस पुत्र को तो उसी प्रकार छोड़ेंगे ही नहीं जैसे कोई जुआरे अपने यश को छोड़ देता है। स्वामी, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है, तो आप मुझे तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आप ही मेरे शरण स्थान हैं। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत कोमलता से उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परस्पर का वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग नहीं करूंगा, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे से अनिवार्य तौर पर अलग कर ही देगा। जिस मेरी माँ ने मुझे इतना कष्ट सहन करके जन्म दिया था, अब वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ? जैसे पक्षी अपने विश्राम वृक्ष पर इकट्ठे होते हैं, किंतु फिर नाना दिशाओं में उड़ जाते हैं, यही प्राणियों की दशा है। उनका भी वियोग अवश्यंभावी है। इसलिए संयोग के समय किसी भी चीज को अपना समझ बैठना भयावह है, क्योंकि यह ऐसा ही है। इसलिए मित्र, शोक मत करो, वापिस लौट जाओ। यदि मन नहीं माने तो जाकर फिर वापस चले आना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिल वस्तु के लोगों को जाकर कहना कि उसके लिए जो तुम्हारा स्नेह है उसे छोड़ दो, क्योंकि उसका निश्चय दृढ़ है। जब स्वामी और सेवक के बीच की यह बातचीत कंतक ने सुनी, तो उस श्रेष्ठ अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे।
और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। सिद्धार्थ गौतम ने अपने प्रिय अश्व कंथक को थपथपाया और मित्र की तरह संबोधित करते हुए कहा, कंथक सहन कर, अश्रु मत बहा, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। कंथक और छन्न से विदा लेकर गौतम भी अपने मार्ग पर चल दिए। इस तरह मित्रों भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को दबाना मत भूले। नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।